जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम महाभारत के बहुत ही अमेजिंग फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि हनुमान जी का जिक्र महाभारत में किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? एक्चुअल में जब भीम जी हनुमान जी के पास विनती करते हैं कि उनकी सेना थोड़ी कमज़ोर है, क्या आप उनकी सेना में शामिल हो सकते हैं, तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो हैं श्री राम जी की भक्ति में लीन रहते थे। तो इसका ही सलूशन निकालते हुए हनुमान जी कहते हैं कि मैं आपके साथ शामिल तो नहीं हो सकता, लेकिन अर्जुन के रथ के ऊपर फ्लैग पर विराजमान जरूर हो सकता हूँ। तो ऐसा ही हुआ। तो इसके बाद की बात जानकर आपके आश्चर्यजनक हो जाएंगे कि इसके बाद होता क्या है कि जब भी अर्जुन तीर चलाते थे तो करण का रथ जो है 20 फीट पीछे चला जाता था, और वहीं पर जब करण तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ जो है 2-3 इंच ही पीछे जाता था। तो इसी बात पर कृष्ण जी मुस्कुराते थे और करण की तारीफ करते थे। तो इसी बात पर अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा कि आप ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि अर्जुन, वो तुम्हारे रथ को नहीं, स्वयं उस रथ को हिला रहे हैं जिस पर हनुमान जी खुद विराजमान हैं। तो ये सोचो, अगर आज हनुमान जी ना होते तो आज तुम्हारा रथ कहाँ होता? तो इस फैक्ट के बारे में जो जो लोग जानते थे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय श्री कृष्ण।